हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका अग्रवाल, आपकी स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो के लिए वो है हाउ टू ड्रेस अप योरसेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यू। किस तरह से हम जॉब इंटरव्यू के लिए ड्रेस अप होकर जाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर इवेंट और ओकेजन के हिसाब से हमारा ड्रेस होता है। जब हम पार्टीज या वेडिंग्स में जाते हैं तो हमारा ड्रेसअप उस अकॉर्डिंग होता है। जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा फॉर्मल ड्रेसअप होता है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारा ड्रेसअप कैजुअल होता है। वैसे जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक सर्टेन फॉर्मेट या ड्रेसअप स्टाइल में जाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस प्रेजेंटेशन या ड्रेसअप स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे फीमेल्स के लिए, कि फीमेल्स को किस तरह से ड्रेसअप होकर जाना चाहिए, किस तरह का स्टाइल उनको करके जाना चाहिए कि उनके सिलेक्शन ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो ध्यान रखने के लिए है वो क्लॉथ्स में फॉर फीमेल्स के लिए है। इसके लिए मैं सारी इमेजेस आपको दूंगी। पहला पॉइंट है क्लोथ्स, किस तरह के क्लोथ्स गर्ल्स को पहनकर जाने चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो गर्ल्स के लिए अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो साड़ी या सूट पहन सकती हैं, कॉटन साड़ी या सूट पहन के वो जाएं। और अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पैंट और शर्ट्स पहन सकते हैं। पैंट आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के शर्ट्स मिल जाएंगे फॉर्मल में, एंड पैंट्स भी मिल जाएंगे आपको, फॉर्मल पैंट्स मिल जाएंगे गर्ल्स के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो गर्ल्स को इंटरव्यू के टाइम पे पहनना चाहिए। ये सारे जो कपड़े हैं इनका इमेजेस मैं आपको शो करती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का ड्रेसेस प्रेफर करना चाहिए गर्ल्स को। सेकेंड है फुटवेयर, फुटवेयर किस तरह के आपको शूज़ या फुटवेयर पहनने हैं इंटरव्यू में जाते वक्त। तो अगर आप साड़ी या सूट पहन रहे हैं तो उनके साथ आप फ्लैट सैंडल्स पहन सकते हैं, फ्लैट हील सैंडल्स प्रेफर कर सकते हैं, एंड बेलीज प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न पहन के जा रहे हैं तो आप बेलीज पहनिए, फ्लैट बेलीज पहनिए या फ्लैटेड बेलीज पहनिए। इसके साथ आप शूज़ भी पहन सकते हैं, शूज़ भी चूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की पॉइंटेड हील्स या पेंसिल हील्स सैंडल्स आपको नहीं पहननी है, बहुत हाई हील्स आपको नहीं पहननी है, मीडियम फ्लैट हील्स आपको चूज करनी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारी इमेजेस फुटवेयर के भी मैंने आपको शो किए हुए हैं, कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। जहाँ रेड मार्क है वो शूज़ और फुटवेयर आपको प्रेफर नहीं करने हैं इंटरव्यू के लिए। थर्ड है आपका हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल गर्ल्स के लिए जो हेयर स्टाइल उनके फेस पे सूट करे उस तरह का हेयर स्टाइल उनको बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी या लाउड नहीं होना चाहिए, पार्टी वेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी हेयर स्टाइल उनके फेस को सूट करता है वो बना सकते हैं। कुछ कॉमन हेयर स्टाइल्स हैं तो जो जनरली इंटरव्यूज के टाइम पे अच्छे लगते हैं, उसमें से एक होता है आपका हाफ पिनअप होता है, सेकेंड आपका स्ट्रेट हेयर में आप जा सकते हैं, थर्ड आप पोनीटेल बना के जा सकते हैं, फोर्थ आप हेयर बन बना सकते हैं, जुड़ा बना सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कोई बहुत सारी एसेसरीज, क्लिप्स, कलरफुल क्लिप्स या फिर डायमंड क्लिप्स, इस तरह के क्लिप्स आपको यूज़ नहीं करने हैं जो कि पार्टी वेयर लुक के होते हैं। आपको सिंपल एंड सोबर आपको हेयर स्टाइल रखना है, सो ये आपका एक अच्छा इम्प्रेशन देता है। फोर्थ है आपका मेकअप, किस तरह का आपको मेकअप करना है। मेकअप में आपको बहुत ही सिंपल एंड सोबर मेकअप करना है, मेकअप बहुत ज़्यादा लाउडी नहीं होना चाहिए, हल्का सा टचअप होना चाहिए मेकअप का। आप अगर आईज़ की बात करें तो आईज़ में आप लाइनर काजल लगा सकते हैं। अगर बात करें आपके लिप्स की तो आप लिपस्टिक चूज करते हैं, लिपस्टिक शेड्स जो आपके होने चाहिए वो बहुत लाइट शेड्स होने चाहिए, लाइक न्यूड लिपस्टिक होना चाहिए या पिंक या लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। बट आपको डार्क कलर्स नहीं चूज़ करने हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, रेड ब्राउन इस तरह के कलर्स आपको टोटली अवॉइड करने हैं लिपस्टिक पे। एंड देन इसके बाद आता है नेल पेंट, नेल पेंट आपको आप नेल पेंट में सिंपल नेल पेंट्स यूज़ करिए, लाइट शेडेड नेल पेंट्स यूज़ करिए, बट बहुत ज़्यादा आपको नेल में डेकोरेशन नहीं करनी है, जस्ट लाइक पार्टी। तो आपको सिंपल नेल्स रखने हैं। लाइनर एंड काजल में सिंपल लाइनर एंड काजल आपको पुटअप करना है, कोई कलरफुल लाइनर आपको यूज़ नहीं करना है, कोई आई शेडोज यूज़ नहीं करना है,
कोई आपको ब्लशिंग यूज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर आपका फेस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए आप किसी पार्टीज में जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक आपको इमेज शो करती हूँ किस तरह का आपका लुक होना चाहिए, सिंपल फेस दिखना चाहिए। ओके सो ये इस तरह से आपको आपका मेकअप करना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एसेसरीज़, किस तरह की एसेसरीज़ गर्ल्स को वेयर करने चाहिए। गर्ल्स तो जानी ही जाती हैं एसेसरीज़ के लिए, क्योंकि गर्ल्स को बहुत शौक होता है एसेसरीज़ का। बट आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज़ या एसेसरीज़ कैरी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल आपको एसेसरीज़ कैरी करनी है। दो तीन चीज़ें हैं एसेसरीज़ में जो आप इंटरव्यू में जाते वक्त कैरी कर सकते हैं। पहला तो हुआ आपका ईयरिंग्स, जो आपके कान के ईयरिंग्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लॉन्ग हैवी ईयरिंग्स नहीं होने चाहिए कान में। चाहे आप ट्रेडिशनल पहने चाहे आप वेस्टर्न पहने, वेस्टर्न में आप ईयरिंग्स अवॉइड भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल साड़ीज़ में या सूट्स में आपको छोटे छोटे ईयरिंग्स पहनने हैं, ना कि बल्कि या हैवी ईयरिंग्स पहनने हैं। इसके बाद आती है एसेसरीज में आपका वॉच। वॉच एक सिंपल वॉच आपको कैरी करनी है, आपको रिस्ट वॉच पहननी है जो कि एक अच्छा इंप्रेशन देता है आपका। सो एक रिस्ट वॉच कैरी करनी है आपको एसेसरीज के तौर पे। कोई भी बैंगल्स चूड़ी ऐसा कुछ भी आपको पहनना अवॉइड करना है। रिंग्स आपके जो फिंगर रिंग्स होते हैं उनको पहनना भी आपको अवॉइड करना है। सो इस तरह का कुछ भी आपको नहीं पहनना है। एसेसरीज़ के तौर पर एक और चीज़ आती है आपके हैंड बैग्स। तो हैंड बैग्स जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो एक हैंड बैग लेके जाएँ, ये आपको वैसे भी फ़ायदा देगा क्योंकि एसेसरीज़ हैंड बैग्स में आप अपना फाइल फोल्डर रख सकते हैं, फोल्डर्स में आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, एंड बैग में छोटा मोटा जो भी आपका सामान है वो आप रख सकते हैं। बैग्स किस तरह के होने चाहिए, सो बैग्स आपके लेदर बैग्स आप चूज़ करिए। बैग्स बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मीडियम साइज़ बैग आप लेके जाइए जिसमें आपका फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपके एक बार में आ सकें। सो इस तरह का बैग आपको लेके जाना है, कैरी करना है। हैंड बैग लेना है, स्लिंग बैग्स नहीं लेने हैं, क्लचेस नहीं लेने हैं, आपको हैंड बैग लेना है। सो हैंड बैग के भी मैं कुछ इमेजेस आपको शो कर देती हूँ, सो वो इमेजेस आप देख के समझ सकें कि आपको किस तरह के हैंड बैग्स लेके जाने हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं चाहे आप बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, कुछ चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। वो ये चीज़ है कि आप बॉय हो या गर्ल हो, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली प्रेस्ड होने चाहिए जो भी आप कपड़े पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू में। प्लस फेडेड नहीं होने चाहिए, सारे कपड़ों का कलर और टेक्सचर प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं या ड्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउडी नहीं होना चाहिए, एकदम इसका स्मेल सूदिंग होना चाहिए, किसी सामने वाले व्यक्ति को परेशान ना करे, इस तरह का स्मेल नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखने के लिए होती हैं, और इस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके चांसेस और सिलेक्शन इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। सो ये था आज के वीडियो का पार्ट, हाउ टू ड्रेस अप योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू फॉर फीमेल्स। सो थैंक यू सो मच।